वीडियो में ट्राई करने जा रहा हूँ कि अपना आयरन आर्मर पूरा तैयार कर लूँ ताकि हमारी न्यू जर्नी अच्छे से स्टार्ट हो जाए। ये जो आयरन आप मेरी इन्वेंट्री में देख रहे हैं, मैंने माइनिंग की थी, वहाँ से मुझे ये आयरन मिला और कोल मैंने लिया था। अभी मैं एक पिकेक्स और एक एक्स बना लेता हूँ, एक शील्ड भी बनानी है और थोड़ा सा आर्मर जो भी बना सकता हूँ वो भी बना लूँ ताकि केव के अंदर जाने में बहुत आसानी हो जाए हमारे लिए। ये बना लिए एक शील्ड, अभी चेस्ट प्लेट बना लेते हैं और बूट्स। मैंने चेस्ट प्लेट और बूट भी पहन लिया है। अभी थोड़ा सा कोल वगैरह ले लेता हूँ और टॉर्च बना लेता हूँ अपने लिए ताकि केव के अंदर रोशनी रहे। जब मैं पिछली मरतबा गया था तो बहुत ही कम टॉर्च वगैरह लेकर गया था, तो वो तो मैंने वहाँ पर प्लेस कर दी थी, ज़्यादा मेरे पास नहीं थी उस वक्त क्योंकि ज़्यादा कोल था नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा टोर्च पिछले में तो बना नहीं पाया। अभी मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने अपना जो मूड है वो नॉर्मल से भी इजी करना पड़ेगा क्योंकि अभी मेरे पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है जो मैं मॉब्स के साथ फाइट ले सकूँ। अभी चलते हैं अपनी माइंड की तरफ। ये आजकल माइनक्राफ्ट बहुत लैग कर रही है मेरे मोबाइल में क्योंकि अभी इसको नॉर्मली 12 GB या 8 GB वाला मोबाइल ही, रैम वाला मोबाइल ही चला सकते हैं क्योंकि इन लोगों ने अल्ट्रा ग्राफिक्स की है गेम की। पहले तो इसको 2 GB वाला भी इजीली चला सकता था पर अभी बहुत मुश्किल है। पहले तो बकेट लाना भूल गया था, फिर बाद में जाकर बकेट लाया था। यहाँ से कोल वगैरह की माइनिंग कर लेता हूँ। ये कोल अभी लेते हैं। यहाँ आसपास बार बार लग रहा था कि मेरे आसपास स्लाइम है जबकि स्लाइम मुझे नजर नहीं आती आसपास। जो नेक्स्ट मेरी वीडियो आएगी उसमें ट्राई करूंगा कि अपना एक अच्छा सा घर बना लूं और उसके बाद एक बना लूं स्लाइम का फार्म क्योंकि आप लोग जानते हैं स्लाइम फार्म बनाना सब फार्म से बहुत ज़्यादा है क्योंकि उसमें सिर्फ माइनिंग करनी होती है। एक आपको लोकेशन ढूंढनी होती है कि आपने कहाँ पर बनाना है और उसके बाद आपको सिर्फ माइनिंग करनी है और 3 से 2 ब्लॉक की हाइट तक करनी पड़ती है जहाँ तक मुझे बताएं। अभी यहाँ पर एक क्राफ्टिंग टेबल बनाकर एक्स पिकेक्स वगैरह बना लेता हूँ क्योंकि आयरन की एक तो ख़त्म होने वाली है और आयरन पर अभी रिस्क ले नहीं सकता क्योंकि मुझे कन्फर्म नहीं है कि आगे जाकर केव में मुझे आयरन मिले या ना मिले, इसलिए अपने आयरन को सेव भी रखना है। ये बना लेता हूँ क्राफ्टिंग टेबल और ये बना ली। तोड़ लेता हूँ क्राफ्टिंग टेबल और चलता हूँ आगे की तरफ। यहाँ पर ये क्रीपर बहुत बुरा फटता है। मे बी नहीं बेटा मर गया, प्रो हो चुका हूँ पता ही नहीं। ये मारा स्पाइडर को। ये मेरी टॉर्चेस पहले की लगी हुई हैं क्योंकि मैं पहले भी आया था आपको जैसे कि बताया था माइनिंग। अभी यहाँ पर एक क्रीपर फटता है तो मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर आयरन पड़ा है। मैंने यहाँ से अभी आयरन तोड़ लेता हूँ। दो ही आयरन मिला था बस, ज्यादा नहीं। अभी वो कोल भी तोड़ लेता हूँ।
अब मुझे पता था कि मेरे पर ग्रेवल गिर सकती है, तो इसलिए मैं पहले ही टाइम पर हो गया था पीछे। हाँ भाई, मुझे लग रहा है कि गिरेगी वो, ऊपर उसके पड़ी है, हमारे ऊपर तो नहीं गिरी। निकाल लेता हूँ पेट पूजा, चलता हूँ आगे की तरफ। अंदर मैन भी दिखाई दे रहा है, ऊपर वाला भी छोड़ ही लेता हूँ। ये मोब आ रहा है, इसको लगाता हूँ दो तीन, ये दी कान के नीचे बजाकर। एक और बजा लेता हूँ, क्यों नहीं रही, तीन चार एफ इतना डैमेज देती है नॉर्मली। क्रीपर भी आ चुका है, कोशिश करनी कि पानी में फटे। इनका पानी में फटने से ये फायदा था कि आपको डैमेज नहीं मिलता। ये मैं आया था केव के अंदर, मुझे दोनों चीज़ें मिल गई, कोल और आयरन। ये फिर नमूना आ रहा है, मैंने यहाँ पर पानी डाला है कि बच जाऊँ, पर हाफ हार्ट तो ले गया फिर से। यहाँ पर मुझे ऊपर नज़र तो आए थे थोड़ा सा आइरन, अभी नज़र नहीं आ रहा। हाँ ये ऊपर रहा, मैं भी कब से इसको ऊपर मुंह करके देख रहा था कि मिल क्यों नहीं रहा। अभी लैपिस लाजुली भी है, इसको भी तोड़ लूँगा। आयरन तो मैंने अभी तोड़ लिया, अभी तोड़ लेता हूँ लैपिस लाजुली। जैसे नेक्स्ट वीडियो में मैं अपना घर बना लूंगा, उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि मैं वो बना अपने लिए डायमंड ढूंढ कर लाऊं, क्योंकि डायमंड माइनिंग भी बहुत ज़रूरी है अपनी जर्नी को सरवाइव करने के लिए। डायमंड का फुल इंचेंटेड आर्मर और इंचेंटेड टूल आ जाए ना, उसके बाद गोल्ड लेवल नेदरराइट की तो अलग ही बात है। कोशिश करता पानी पर छलांग, पर नहीं लगा पाता। यहाँ पर ज़ॉम्बी मुझे बहुत ही गंदा पेटते हैं, मुझे यहाँ पर बुरा लगता है कि मैंने अपना मोड पीसफुल कर दिया था, वरना मैं सर्वाइव नहीं कर पाता बिना मरे। छोटे वाले बहुत ज्यादा डैमेज देते, बड़े वाले होते तो फिर भी मैं इजली कर लेता उनको मार देता, पर छोटा जो होता है ना, छोटा छछुंदर, ये बहुत ज्यादा डैमेज देता है। हम मुझे वो जो यहाँ पर एक अलग से शेल्स मिलते हैं और हम उससे दूरबीन टाइप कुछ चीज बना सकते हैं, वो मिल जाती है। मैं अभी यहाँ पर काम ज्यादा नहीं था तो मैंने सिर्फ जरूरत की चीजें तोड़ी, बाकी चला गया। ये नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, आप अगर आपको बताओ तो कमेंट में बता दीजिएगा।
यहाँ पर जाता हूँ देखने के यहाँ पर आगे केव है या नहीं, पर अफसोस के बाद केव आगे खत्म है। जैसे कि मैंने वो तोड़ा था कि ये शैल मिल जाते हैं तो दूर भी बना सकते हैं, पर यहाँ पर मुझे पता नहीं था मैं इसको तोड़ूंगा और मुझे आयरन मिल जाएगा यहाँ से। अभी तो मुझे कन्फर्म है कि मेरा आयरन का आर्मर कंप्लीट हो जाएगा। अभी जाता हूँ अपने घर की तरफ ताकि, हाँ घर पहुँच भी गया। अभी ये फर्नस तोड़ कर मैं साथ ले जाता हूँ बैर, जाके वो वीट फार्म, वीट और पोटैटो लगाए हैं उनको भी एफ के पॉइंट मिल जाए और हमारा वहाँ का भी काम हो जाए साथ साथ। मेरे को अभी गेम बहुत लैग करी, ये माइनक्राफ्ट वालों ने बहुत ही गंदा किया है सिस्टम। पहले से अपना आयरन स्मेल्ट करता हूँ। अभी 10-16 आयरन मेरा स्मेल्ट हो चुका है। तो ये क्रीपर, क्रीपर बहुत गंदा फटा है यहाँ पर, सारी जगह खराब कर दी इसमें उसने। अभी सारी जगह प्लेस कर लेता हूँ सही से दोबारा। अभी मैंने हर चीज़ सही पहले तरीके से कर दी है। अभी आयरन मेरा सारा स्मेल्ट हो चुका है। अभी जो हमारे रहते हैं हेलमेट और लेगिंग्स रहती है, अभी उनको बनाकर अपना आयरन का आर्मर पूरा कंप्लीट करता हूँ। ये बनाता हूँ हेलमेट एंड लेगिंग्स। अभी मुझे यहाँ पर थोड़ा सा चाहिए होता है सैंड ताकि उसे आए वो बना सकूँ ग्लासेस, पर जिस डायरेक्शन में मैं जाता हूँ वहाँ पर मुझे ये एक अलग सी बायोम मिल जाती है जहाँ से मुझे टेरेस्कोटा मिल रहे थे। अगर आपको इस बायोम का नेम आता हो तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा। ये मैं थोड़े थोड़े ब्लॉक्स तोड़ रहा हूँ ताकि पता चले कि इनको स्मेल्ट करने से क्या मिलेगा। मुझे ये तो पता है कि ये टेरेस्कोटा को स्मेल्ट किया जा सकता है और इनसे फैंसी ब्लॉक बन जाते हैं, पर इसको क्या कहते हैं, इस बायोम को क्या कहते हैं मुझे ये नहीं पता। नेट पर सर्च करता हूँ थोड़ी देर तक। अभी यहाँ पर मैं पहुँच चुका हूँ, वहाँ पर मुझे आसपास सैंड मिलती नहीं है तो मैं सी की तरफ आ गया था। अभी यहाँ से थोड़ी बहुत सैंड तोड़ लेता हूँ, 15-20 मिल जाए तो मुझे अभी इनफ है। शायद जब नेक्स्ट वीडियो में अपना घर बनाऊँ तब शायद लेनी पड़ जाए बहुत ज़्यादा, वरना अभी तो मुझे इतनी इनफ है। अभी चलता हूँ अपने घर की तरफ। विलेजर इस विलेज इस डायरेक्शन में, तो मे भी मेरा घर इस डायरेक्शन में हो। अभी चलता हूँ अपने घर की तरफ। ये देखे पहुंच चुकी हूँ अभी अपनी जगह, यहाँ से उठाकर वो कॉपर। ये मेरा सारा कॉपर वगैरह स्मेल्ट हो चुका है और मैंने सैंड को भी स्मेल्ट होने के लिए लगा दिया। अभी जाकर वो दूरबीन टाइप जो भी होती है, आज तक तो मैंने जितना मुझे पता है मैंने 2 साल हो चुके खेल रहा हूँ और मैंने अभी तक बनाई नहीं है वो दूरबीन टाइप। बस टेक्नो गेमर की वीडियोज़ में एक मरतबा देखी थी या किसी और यूट्यूबर की वीडियो में।
क्या कहते हैं ये कौन सा ग्लास है, इसका क्या है, स्पाई ग्लास। अभी हमने स्पाई ग्लास बना लिया, जो बाकी का है वो हम वहां पर रख देते हैं अंदर। ये देखिए बहुत अच्छे से काम कर रही है। मैंने ये सारे ब्लॉक जो टाइल्स वोटर किस लेकर आए थे स्मेल्ट कर लिए हैं, अभी बहुत प्यारे ब्लॉक हैं। अभी सोच रहा हूँ कि कैसा बिल्ड बनाऊँ जो कि इनकी बेस के साथ हो, बहुत प्यारा भी लगे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी न्यू वीडियो